बसमिल स्टूडेंट्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सप्रेशन फॉर द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व एग्जांपल देते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम पी ऑफ यू नॉट टू पी क्यू ऑफ यू ऑफ द करव हुए इनकी गिवन है एक्स इज गए इस सोल्यूशन में आ जाते हैं एक्स इज ए को सीटा वैसे ही लिख लिया वाई इज इक्ट टू ए साइन थीटा एंड जेड इज टू बी यू अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू यू डी एक्स ओवर डी यू इज इक् टू माइनस ए साइन यू डी बाई बाई डी यू इज टू ए को यू एंड डी जी बाई डी यू इज टू बी आर्क लेंथ इज अब आर्क लेंथ का फार्मूला कल हमने ड्राइव किया है एस इज टू वो हमारे पास आ जाएगा ये सारा लिख लिया गया यू अब डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू इधर से उठा के पुट कर देगी डी बाई बाई डी यू की वैल्यू भी पुट कर देगी dz डी जी बाई डी की वैल्यू भी पुट कर देगी अब इसको सिम्पलीफाई करेंगे ये आ जाएगा ए स्केर साइंस स्केयर यू प्लस ए स्केर कोशकेर यू प्लस के बी स्केयर इसका स्केयर रूट डी आ जाएगा एंटेगरल यू नॉट से यू तक एंटेगरल यू नॉट से यू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर इनमें से कॉमन आ गया साइंसकेयर यू एंड प्लस के कोशकेयर यू प्लस के बी स्केयर साथ में डी आ जाएगा एंटेगरल यू नॉट से यू स्केयर रूट ऑफ ये चीज जो है, है हमारे पास वन के कुलर इंटू वन प्लस के बी स्केयर डी यूग्रल यू, यू नॉट से यू स्केयर रूट ऑफ ए स्केर प्लस के बी स्केर स्क स्केर डी यू इससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्का रूट Integral, u u D, u से की इंटीग्रेशन होती है u. अब इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे ये बाहर आ रहा है कांस्टेंट u माइनस यू नॉट ये इसकी आर्क लेंथ आ गई अब इसकी एग्जांपल नंबर टू देखते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम पी ऑफ जीरो एंड क्यू ऑफ थीटा वेयर कर्व इज गिवन बाई कर्व हमारे पास गिवन है एक्स टू ए कोसीटैंड वाई इज टू ए साइंसिट एंड जेड टू जीरो एंड चेंज दीज इक्वेशन एज द फंक्शन ऑफ द आर्क लेंथ एस अब इन इक्वेशन को लास्ट में चेंज भी करना है कि ये फंक्शन ऑफ द आर्क लेंथ आर्क लेंथ एस की हो uh, ये हमने लिख दी जो हमें दिया हुआ है एक्सो एंड वाई जीरो ए साइन थीटा एंड जेड इजू जीरो इनका इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थी थीटा डी एक्स ओ डी थीटा इज ईगो माइनस ए साइन थीटा डी बाई बाई डी थीटा इज ईक् टू ए एंड डी जेड बाई डी थीटा इज टू जीरो आर्क लेंथ इज आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करेंगे लिमिट्स आ जाएंगी जीरो से थीटा तक एंटाग्रा जीरो से थीटा डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी गई जो हमने निकाली उसका स्केयर आ जाएगा डी बाई बाई डी थीटा इसके इक्वल है उसकी वैल्यू पुट कर देगी उसका स्केयर डी जेड बाई डी थीटा उसकी वैल्यू है जीरो वो पुट कर दी उसका स्केयर डी थीटा इससे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से ए स्केयर कामन आ रहा है साइंस के थीटा प्लस कोर्स के थीटा इसका स्केयर रूट एंडैगरल जीरो से थीटा ए स्केयर ये चीज़ वन के इक्वल होगी उसका स्केयर रूट डी थीटा अब स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में आ जाएगा एस इज इक्वल टू जीरो से थीटा ए डी थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू ए थीटा ज़ीरो से थीटा अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे ए इंटू थीटा माइनस ए इंटू जीरो ये ए थीटा आ जाएगा एस अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू एस ओवर है क्योंकि हमें हमने साबित साबदगी करना है कि क्वेश्च जो हैं फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ हों अब इस में हम वो पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू एक्स इज एक टू ए को एस ओवर ए एंड वाई इज इक्व टू ए साइन एस ओवर एंड Z इज इक्व टू ज़ीरो उसके बाद आती जाती है डेफिनेशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है सबसे पहले एक कर्व लेंगे उस पर एक पॉइंट लेंगे पी उस पर एक टेंजन ड्रा करेंगे और एक अनदर पॉइंट Q लेंगे उस पर भी एक टेंजन ड्रा कर लेंगे एक ऐसी लाइन होगी जो कि इस टेंजेंट में से पास करेगी और उस टेंजेंट में से पास करेगी और उस पॉइंट में से क्यू में से भी पास करेगी जब क्यू अप्रोचिस टू पी करेगा तो ये जो लाइन है हमने ये ड्रा की ये उस क्यू पे जो टेंजेंट होगा उसके पैरेलल हो जाएगी ये हम बेसिकली उस लेटिंग प्लेन होती है ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी ऑन कर्व सी एंड इज पैरल टू देंजन एट एन अदर पॉइंट क्यू ऑफ दर्व सी वैन क्यू अप्रोचिज टू पी इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये वही वाली चीज जो मैंने बताई है ऑस्कुलेटिंग प्लेन मिस करव लेंगे उस पर पी पॉइंट लेंगे उस पर एक टेंजन ड्रा करेंगे फिर एक पॉइंट क्यू लेंगे उस पर भी एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे इधर से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि इस टेंजेंट से पास करेगी और क्यू पॉइंट से भी पास करेगी जब क्यू अप्रोचिस्टूब जैसे जैसे क्यू अप्रोचिस स्टूब पी करता जाएगा ये लाइन उसके पैरेलल होती जाएगी टी डै टी प्राइम के जो इस पे क्यू पे टेंजेंट है यही ऑस्कुलेटिंग प्लेन होती है अब प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है प्रिंसिपल नॉर्मल अब सबसे पहले इसके लिए कर्व ड्रा करेंगे उस पर एक पॉइंट लेंगे उस पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे अब इधर इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिस जिसको एन यूनिट वेक्टर कहेंगे, ये प्रिंसिपल नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल एट ए पॉइंट पी ऑन ए कर्व सी इज आ लाइन ये वो वाली लाइन है लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करती है एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होगी एट पी एट पॉइंट पी पे वो परपेंडिकुलर होगी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल यानी प्रिंसिपल नॉर्मल की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा एंड इट इज डिनोटेड इससे नेक्स्ट टाइप में डिनोटेड बाय एन इन टू आर माइनस आर नॉट आर माइन कैपिटल आर माइनस आर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इज पैरेलल टू एन वो एन के पैरल होगा जिस इस तरह ये फिगर ड्रा की ये करवली उस पर वही वाला पॉइंट ड्रा किया अब ये पी का पोजिशन वैक्टर है आर है और ओ से लेकर क्यू तक कैपिटल आर है ये जो चीज़ है जो प्रपेंडिकुलर एन यूनिट वैक्टर इस डायरेक्शन में ये है हमारे पास आर माइनस आर आर माइनस आर जो होगा वह इन दोनों का प्रोडक्ट होगा आर इंटू एन यूनिट वैक्टर मीन्स आर इंटू एन यूनिट वैक्टर अब ये आर उधर जाके प्लस का हो जाएगा आर प्लस आर एन यूनिट वैक्टर विच इज़ द ओकेजन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल यही ओक्जन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल है वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके शुक्रिया